पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाले चुनाव में बड़ा घोटाला करते हैं, वो मतदाता सूची में हेरफेर करते हुए झूठे नाम जोड़ देते हैं। दिग्विजय सिंह चुनावी यात्रा के चलते खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य संत दादा धूनी वाले के दरबार में मत्था टेका। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसे रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। जहां कांग्रेस जीतती आ रही है, वहां मतदाताओं के नाम काट देते हैं। भाजपा जहां से जीतती है, वहां झूठे नाम जोड़ देते हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर 2023 का चुनाव कांग्रेस को जीतना है तो मतदाता सूची का अवलोकन करें। मतदाता सूची में हेरफेर बड़े पैमाने पर हो रहे और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रही है, लेकिन मध्यप्रदेश की कांग्रेस कमेटी हम लोग उसको रोकने में सफल नहीं हो पा रहे। जिन मतदान केंद्र पर कांग्रेस जीतती आ रही है उसके नाम काट देते हैं, कम कर देते हैं, और भाजपा जहां से जीतती है उसके झूठे नाम जोड़ देते हैं और फर्जी मतदान होता है, बाहर के लोगों के वोट भी यहां डाल देते हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।